आपकी लगभग कीमत है 13,000। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा जनपद क्षेत्र में आदिवासी बहुल चाचरिया के ग्राम पंचायत पलासपानी गांव में ग्रामीणों ने सरकार को आईना दिखाते हुए खुद ही 7 किलोमीटर की दो दुर्गम पगडंडी नुमा मार्गों को श्रमदान और पसीना बहाकर सड़क का रूप दे दिया। 45 वर्षों से आवागमन के लिए सुगम सड़क की समस्या से जूझ रहे गांव के लोगों के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। कई मर्तबा पहाड़ी नुमा खस्ता हाल मार्ग को दुरुस्त कर सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीण शासन प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन जब किसी ने नहीं सुनी तो ग्रामीणों ने खुद ही सड़क मार्ग बनाने के लिए गेती फावड़े उठाकर काम शुरू किया। पिछले दिनों सौ से अधिक ग्रामीणों ने पलास पानी से चिलारिया तक के 7 किलोमीटर मार्ग के आधे से ज्यादा उबड़ खाबड़ मार्ग को चौड़ा करने सहित गड्ढे भरकर दुरुस्त कर दिया है। यह मार्ग पूर्ण होने पर ग्राम पलास पानी से कड़ाई पानी तक के 7 किलोमीटर लंबाई के मार्ग को सड़क का रूप देने जुटेंगे। ग्राम सचिव झगलिया तरोले ने बताया कि पलास पानी से कड़ाई पानी तक का 7 किलोमीटर मार्ग पहाड़ी नुमा है। यहाँ से 4 पहिया वाहन का आना मुश्किल है। ग्रामीण इस मार्ग को दुरुस्त करेंगे। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों मार्ग बनने के बाद गांव के लोगों को बलवाड़ी और चाचरे आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं गांव में एम्बुलेंस सहित 4 पहिया वाहन भी आसानी से आ सकेंगे। ग्राम सरपंच बिल्लोर सिंह मोरे ने बताया कि हमारे गांव में बलवाड़ी और चाचरिया दो बड़े गांव जाने के लिए दुर्गम पगडंडी नुमा रास्ते हैं, जिस पर बड़े गड्ढे और घाट हैं, जिसके कारण गाँव में एम्बुलेंस सहित 4 पहिया वाहन नहीं आ पाता। वहीं बारिश में बाइक भी नहीं आ सकती। एम्बुलेंस नहीं आने के कारण प्रसूताओं को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पूर्व में एक प्रसूता को झोले में डालकर अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो चुकी है। वहीं कुछ प्रसूताओं को रास्ते में ही प्रसूति हो चुकी है। इसी प्रकार लोगों को बीमार पड़ने पर दैनिक कार्यों के लिए आवागमन में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। पंचायत के माध्यम से सड़क मार्ग बनाने के लिए प्रस्ताव शासन को दिए, जन सुनवाई में भी गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। रोड दिक्कत है, आवगढ़ फुरबड़ वाला रोड है हमारा। बाइक चलाने में तकलीफ आती है हमको। कहीं बीमार तो हो गया तो उसको ले जाते बाइक पे, तो काली मिट्टी कभी आ जाती तो गाड़ी फंस जाती बारिश में, तो उसको गुदी में उठा के काली मिट्टी से बाहर करना पड़ती है। बाइक को 2 जन धक्का के बाहर निकालने पड़ते। 4 पहिया वाहन नहीं आते? 4 पहिया वाहन आते नहीं, बारिश में कहाँ से आएगा? बाइक नहीं निकलते तो 4 पहिया वाहन कहाँ से निकलेंगे? तो इसी कारण से हम रोड हमारा उबर खड़बर है। इसी कारण से हम रोड सुधार रहे, पूरे गांव वाले मिल के रोड सुधारने। 7 किलोमीटर है हमारे जिला पंचायत रोड तक, वहाँ का भी वाहन मिल जाता 4 पहिए का, तो फिर उसको वहाँ वाहन में डाल के ले जाता बीमार को। नहीं मिलते तो बाइक से हम बलवाड़ी ले जाना पड़ता अस्पताल में। रास्ते में घटनाएं घट जाती होगी, कहीं किसी का हाथ टूट गया है, किसके पैर टूट गया, किसी का दुर्घटना भी हो गई है, कोई डिलीवरी बाइक खाली हो गई, किसी की नहीं खाली हुई तो वहीं भी मिट्टी हो गई उसकी। ऐसी समस्या है हमारी, इसीलिए हम गाँव वाले मिल के सब मिल के ये रोड का काम कर रहे हैं।